इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काजमी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और फिर ये कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में औरतों को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। इसके साथ साथ ये कैंसर मर्दों को भी हो सकता है, लेकिन मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इस तरह से बनता है कि जब जो ब्रेस्ट के सेल्स होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से वो बढ़ने लग जाते हैं, जिनकी वजह से वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ज़्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो एक गिल्टी की तरह महसूस होते हैं और उनको एक्सरे के ज़रिए पहचाना जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का जो सर्वाइवल रेट है, यानी कि एक दफ़ा जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो वो ट्रीटमेंट के बाद उससे बच जाए, वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है दिन ब दिन। और जिसकी वजह ये है कि एक तो इसके ट्रीटमेंट में हर दिन बेहतरी आ रही है, और इसके अलावा ज़्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस होते हैं वो अर्ली स्टेज पर ही उनको डायग्नोज कर लिया जाता है, यानी उनको उनका पता लग जाता है और वो अभी तक ज़्यादा फैले हुए नहीं होते, वो सिर्फ उसी स्टेज पे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल रेट बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि औरतें बहुत मुहतात रहें और जैसे ही उनको कोई ब्रेस्ट में चेंजेस महसूस हों तो वो फौरन अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि जितना अर्ली स्टेज पे इसका पता लगा लिया जाएगा उतना ही इससे बच जाने का चांस भी बढ़ जाएगा। अब मैं उन चीज़ों पे बात करूंगी कि जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का खदशा बढ़ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा तो उम्र मैटर करती है, बढ़ती उम्र के साथ इसका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसकी वजह से आप में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ लाइफस्टाइल के चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का खदशा बढ़ जाता है, जैसे कि तंबाकू नोशी, और एक और बड़ी वजह मोटापा भी है। इस सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि साइंसी तहकीक हो रही है, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में इस पे बहुत ज़्यादा रकम खर्च की जा रही है ताकि मज़ीद मालूमात इसके बारे में पता चले। जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने वाले बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वहीं पे साइंसी तहकीक करने के बाद ये बात पता चल रही है कि फिज़िकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही मुफीद है। वो औरतें जो ख़ुद को फिज़िकली एक्टिव रखती हैं बनिस्बतन उन औरतों के जो कि एक्टिव नहीं होती, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। इसके अलावा वो औरतें जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा शराब नोशी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, और अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा माशरा है वो इस लानत से पाक है। जो बच्चा जिस बच्चे का पैदाइश के टाइम वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें भी आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर होने के खदशात बढ़ जाते हैं, और वो लोग जिनका वज़न जवानी के दौरान में बढ़ता है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको जवानी में रेडिएशंस के साथ बहुत जिनका एक्सपोजर होता है, मिसाल के तौर पे एक्सरे, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के ख़तरे बढ़ जाते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें
जितना हमसे एक्सरसाइज हो सकती है उस पर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को लाजमी लेके आएँ और रेगुलरली बाकायदगी से हम एक्सरसाइज करें। इसके अलावा हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी में से स्मोकिंग को ख़त्म कर दें, जो कि ज़्यादातर हमारे माशरे में औरतें तंबाकू नोशी से परहेज़ करती हैं, बिल्कुल भी तंबाकू नोशी नहीं करती, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अलावा हमें चाहिए कि हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, हमारी जो डाइट है वो हेल्थी हो, हमारा जो वज़न है हम उसको मेंटेन रखें। मैं एक और वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक एक्सरसाइज के ब्रेस्ट कैंसर के अलावा जो बाकी कैंसर्स हैं उन पे क्या असर पड़ता है। और मैं ये ज़रूर कहूंगी कि ये मालूमात आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों से भी करें, कि जिन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची या जो लोग इससे बाखबर नहीं हैं उन तक भी ये मालूमात पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया।